हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के ऊपर हमारी जो है तीसरी या चौथी वीडियो है ये, और जिसपे आज हम आपको बताएंगे कैसे जो है आप इस टाइप के वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने वीडियो पे कमेंट देखा कि वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन अराइज किया कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैज़ बीन यूज टू क्रिएट दिस वीडियोज, ठीक है। लेकिन किसी भाई ने कोई भी कमेंट नहीं दिया है, बट आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे जो है आप अपने इलेक्ट्रिकल एनिमेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम को बना सकते हैं बहुत भी सिंपल मेथड में। हाँ, थोड़ा सा जरूर टाइम लगता है यहाँ पे एडिटिंग के लिए, लेकिन आप अपने घर पे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप एज दिस लाइव वीडियोस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा इस भाई के साथ, और फिलहाल अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसे घर के रिलेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे आप अपने घर पे छोटे मोटे काम खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे वरना आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, यही सारा समस्या है हमारी। तो छोटा सा एक वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं और आप वीडियो पर बने रहेगा। तो आज के इस वीडियो पर हम क्या बताने वाले थे, कैसे जो है आप एनिमेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, आगे वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चलिए ले चलता हूं आपको डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह से एनिमेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बनाना चाहते हैं? तो ये डायग्राम कैसे बनता है, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, सारी आज वीडियो पे कवर करेंगे। पर सर एक ही चीज़ है कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, चैनल पे ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ दिस टाइप ऑफ एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी शानदार वीडियो होती है और काफ़ी वायरल वीडियो आजकल के डेट में आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, ठीक है, वो भी एनिमेटेड टाइप, ठीक है। तो ले चलता हूँ आपको कहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक आपको इस तरह से एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट करना है वंडरसेल फिल्मोरा को यूज करते हुए। ये जो मैंने अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने वंडरसेल फिल्मोरा को यूज करके एनिमेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको दूसरे स्टेप को फॉलो करना होता है, साथ में पैरेलल में एक सॉफ्टवेयर को और रन करना होता है, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है ये आपको वंडरसेल फिल्मोरा से क्रिएट करनी है, या अगर आप काइनमास्टर वगैरह यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे तो वहाँ से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या अगर आप डेस्कटॉप में वंडरसेल फिल्मोरा को यूज़ करके बनाते हैं तो आप स्नैपिंग टूल की मदद से एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसीजर अब होता है हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम यानी एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमारा दो पार्ट तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने बताया आपको कि कैसे जो है आप एक एनिमेटेड ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। एनिमेटेड ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, या आप स्नैपिंग टूल की मदद से एक इमेज कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एमएस ऑफिस, ठीक है। तो MS Office अगर आपके पास 2019 है तो मच मोर बेटर, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार तरीके से आप काम कर सकते हैं, की फ्यूचर्स सामने आपको प्रोवाइड होती है। तो उसके लिए हम चलेंगे कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तीसरा सॉफ्टवेयर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे हमें डिलीट कर देना है, वन बाई वन इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर पे जाएंगे, और यहाँ से हमने जो स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है जो वीडियो को हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे देख रहे होंगे पूरे तरीके से आ गया है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे यार इतना छोटा सा पिक्चर को हम अपने फुल साइज में कैसे वीडियो क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आगे आपको वीडियो पे बताऊंगा, पूरा वीडियो बताऊंगा। बट आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लेंथी हो सकता है क्योंकि आपको बारीकी से समझाना है, ठीक है। पूरे फ्यूचर्स नहीं समझाऊंगा मैं आपको, एक दो लाइन खींच के सिखाऊंगा, उसके बाद फिर लास्ट फाइनली एनिमेटेड कैसे करते हैं उस लाइन को वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बारीकी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक पिक्चर ले लिया है, यानी जो हमने FBD फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो हमने क्रिएट किया था वंडरसेल फिल्मोरा से, उससे हमने जो पिक्चर कैप्चर किया था, ये वाला पिक्चर कैप्चर किया था फाइनली, इसी पे हम आज बताने वाले हैं कि इन्वर्टर की वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है हमें, मीटर में अपनी ग्रिड सप्लाई, ठीक। तो ग्रिड सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से हमें लाइन लेना है, ठीक है। लाइन लेके हमें क्या करना है, इस तरह से हमें जाना है, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे शिफ्ट की मदद से आप इस लाइन को सीधी रख सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट की को यूज़ करेंगे तो लाइन सीधी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा क्या करना है हमें,
यहीं से हमें इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, यानी हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा लाइन आउट हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, और बारीकी एडजस्ट करना है तो कंट्रोल की दबा के आप इसको बारीकी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया है अपनी पहला फेस, ठीक है, ग्रिड फेस ले लिया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपना एक न्यूट्रल का भी ले लेंगे, यानी न्यूट्रल का भी हमारे घर पे दो सप्लाई आती है, एक न्यूट्रल और एक फेस, तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ लेना है। तो हम इस तरह से हम दोनों चीज़ यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, ये हमने ले ली है। अब इसको हम बारीकी से एडजस्ट कर सकते हैं आपको जहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमने इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये लाइन बहुत ही पतली दिख रही है, आपको मोटी चाहिए तभी अच्छा दिखेगा। कलर ग्रेडिंग भी करनी है, फेस को रेड देनी है, न्यूट्रल को ब्लैक देनी है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले हम फेस वाले लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इसी जो ये गोल गोल सा दिख रहा है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जो लाइन विड्थ है यहाँ पर हम इसको 3 PT कर देंगे, ठीक है, 3 PT कर दी हमने। अब यहाँ से लाइन कलर दिख रहा होगा आपको, सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कलर हम इसको रेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने कलर क्या करना है, रेड कर देना है। तो हमने यहाँ से कलर रेड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम न्यूट्रल वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद इसका भी लाइन का हम साइज कर देंगे 3 PT, ठीक है। तो ये हमारी लाइन की मोटाई हो गई, यहाँ से हमें इसको ब्लैक करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देख रहे होंगे एक फेस आ गया, एक न्यूट्रल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा, जूम करके दिखाना चाहूँगा, वीडियो पे पूरा बने रहेगा दोस्त। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह से हम नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइन हमारी बिल्कुल सही जॉइन नहीं दिख रही, तो अब क्या करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की दबा के इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा भी आउट है, तो जूम करके ये सारे चीज़ सेट करनी है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम तो जरूर कंज्यूम करता देना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक या दो ही वीडियोस हम क्रिएट कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर आप फ्री हैं तो आप ज़्यादा वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप फ्री नहीं हैं तो बहुत ही कम वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब सब में लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। लाइन में क्रिएट कर लेता हूँ, वरना आपके लिए वीडियोज़ बहुत लेंदी हो जाएगा, आप पूरा वीडियो को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको वेट करना है, मैं सीधा ले चलूँगा आपको अब लास्ट एंड पे, जब मैं इस लाइन को एनिमेट करूँगा, कैसे इसको एनिमेट करना है, ठीक है। अभी क्या है, ये मूविंग नहीं होगा, ठीक है, अभी तो हम लाइन खींच रहे हैं, इसके बाद इसको हम एनिमेट भी करेंगे, कैसे एनिमेट करना है वो मैं आपको बताऊँगा, और फ्रिक्वेंटली कैसे चलना है वो भी सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं लास्ट एंड पे। सो फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि कैसे जो है हमने पूरी लाइन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, बट अभी ये एनिमेटेड नहीं है, ठीक है। अब इसको हमें एनिमेट करना होगा, हर लाइन को हमें एनिमेट करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से लाइन पकड़ेंगे, और यहाँ से जैसे लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एनिमेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद वाइप में क्लिक करना है, ठीक है। वाइप में क्लिक करेंगे, वाइप में क्लिक करने के बाद अभी इसका एफेक्ट देख सकते हैं कि ये इस तरह से एफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एफेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद किधर को ले जाना है वो आपको यह करना है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, किधर से लाइन आपको किस तरफ ले जाना है तो ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी स्पीड आप स्लो कर सकते हैं, यहाँ से ड्यूरेशन देख रहे होंगे, ड्यूरेशन में आप यहाँ से स्पीड इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम सारी लाइन को करेंगे एनिमेट, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर वाइप पे जाएंगे, वाइप में जाने के बाद इसका भी हम अभी ये देख रहे होंगे, वाइप पे हमने गए तो ये अभी एरो हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है, बटन की ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप स्पीड स्लो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये स्पीड बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये दो लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से अब तीसरी लाइन क्या होगा, देखिए यह नंबरिंग काउंट होगा 1, 2, ठीक है। इसी तरह से जितने जितने एनिमेट जाएंगे आप, ऐसे नंबरिंग काउंट होते रहेगा। फिर एक बार में हमें इसको आफ्टर प्रीवियस करना होगा, वो भी मैं आपको वीडियो पे जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल लेना है, तो न्यूट्रल हम तीसरे नंबर पर रहेंगे, इसको भी वाइप करेंगे। वाइप करने के बाद इसका भी जो इफेक्ट है, इफेक्ट को हम फ्रॉम लेफ्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से हमें मूवमेंट करना है, और इसका भी हम स्पीड हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर अब ये तीसरे नंबर पे हो गया, अब ये चौथे नंबर पे हम इस लाइन को खींचना है, तो इसको भी हम वाइप पे करेंगे। वाइप में करने के बाद स्पीड हमारा बिल्कुल सही है, और हमारी जो एनिमेट है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू है, यहाँ पे प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे अभी आप, इस तरह से लाइन आपकी एनिमेट होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारी लाइन बहुत तेज़ी में भाग रही है, तो उसको आप ड्यूरेशन की मदद से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी में क्या करना होगा हमें, पांचवे में हमें अर्थिंग लेना है, ठीक है। तो हमारी अर्थिंग भी ऑब्वियसली हमारी बाहर से आती है, क्योंकि अर्थिंग हम हमेशा घर पर बाहर करवाते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पाँचवें नंबर पर लेंगे, ठीक है। सिंपल फंडा वही करेंगे, वाइप पर जाएंगे, वाइप में जाने के बाद इसका भी
इफेक्ट जो है चेंज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, और इसकी भी स्पीड हम कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड कर देते हैं 1.2, तो यहाँ से हमारा ये भी हो गया पाँचवें नंबर पे। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारी पूरी घर की वायरिंग करनी है। ठीक है, तो फटाफट मैं इस पूरी घर की वायरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि आपको वन बाई वन कैसे जो है ऑटो में इसको प्ले करना होगा, कैसे जो है हम वीडियो को क्रिएट करेंगे, वो भी साथ में आपको वीडियो पे बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सारे वायर को एनिमेट कर दिया, अभी आप देख सकते हैं सारे में नंबर आ चुका है। इसको एक बार हम प्ले करके देखेंगे ताकि हमें कोई भी इश्यूज होगा, अगर लाइन आगे पीछे है तो उसको कैसे सही करना होगा, वो भी सारे इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसको प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे टॉप लेफ्ट साइड में प्रीव्यू का एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये प्रीव्यू चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमारा ये न्यूट्रल वाला लाइन ना है, ये अभी हमारी एनिमेट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको हमें एनिमेट करना है, तो ये वाला लाइन अभी हमारा रह गया है। ठीक है, अभी इसको एज इट इज लीव छोड़ते हैं, और फिलहाल हम सारा देख लेते हैं एक बार कि सारा जो लाइन हमने एनिमेट किया है वो बिल्कुल बराबर हुआ है या नहीं हुआ, कोई लाइन गलत तो नहीं एनिमेट हो गई है, उल्टी तो नहीं फ्लो हो रही है, वो सारे आपको चेक करनी होती है। तभी मैं कहता हूँ कि इस टाइप के वीडियोज़ बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप हफ्ते में एक से दो ही वीडियोज़ को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप रेगुलर हैं यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोज़ कर सकते हैं, बट अगर आप पार्ट टाइम यूट्यूब में वर्क करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के काम करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो पे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारे लाइन हमारे बिल्कुल एनिमेट सही चल रहे हैं, टाइमिंग वगैरह भी बिल्कुल ओके है। टाइमिंग वगैरह मैंने आपको बताया था कैसे जो है टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो सारे वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपने स्किप करके आए हैं यहाँ तक तो पूरा वीडियो को शुरू से देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि लाइन को एनिमेट कैसे करते हैं और उसको डिले कैसे करते हैं, मतलब उसकी जो लाइन की जो फ्लो होती है, पैटर्न होती है, उसको हम कैसे जो है टाइमिंग कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने सारे जो ये वाला लाइन मेरे छूटे हुए थे इसको भी मैंने एनिमेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सारे को कैसे जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्रीवियस, यानी ऑटो में कैसे रन होगा, क्या कि एक्चुअल में अगर आप इसको प्ले करना चाहेंगे ना, यहाँ से प्ले करेंगे तो बार बार क्लिक करना पड़ेगा, तब इसमें लाइन फ्लो होती है, उससे आप वीडियोस नहीं सही से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें ऑटो में कैसे प्ले करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे सारे लाइन को सेलेक्ट करनी है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे रिकॉर्डर एनिमेशन है ना, यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे होंगे विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर प्रीवियस को क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे सारे चीज़ देख रहे होंगे, सारे नंबर जितने भी थे हमारे वो जीरो हो गए। ठीक है, अब ये ऑटो में प्ले होगा, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने कर दी है स्लाइड स्लो, और स्लाइड स्लो करते ही ये देखिए ऑटो में रन हो जाती है, अपने आप ही रन चलती रहेगी, जैसे जैसे आपने लाइनिंग दी थी नंबर के हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से लाइनिंग ऑटोमेटिकली रन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे सारे जो है अपने आप ही यहाँ पे ऑटो रन होगा, और इसी तरह से आप वीडियो को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये न्यूट्रल लिंक, अभी मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, बट ये न्यूट्रल लिंक हमारी यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो इसको अभी हमें एनिमेट करना होगा। ठीक है, तो ये वाला गड़बड़ हो रखा है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया है, फुल्ली अभी क्लोज नहीं किया सेव करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी एक बार अंडू करके और इसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको करना है एस्केप, एस्केप करने के बाद करेंगे हम सीधा अंडू, अंडू करते ही सारे नंबर अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला कौन सा लाइन है, 48। ठीक है, 48 नंबर के बाद हमें न्यूट्रल लिंक क्या है, 48 के बाद हमारी 49 वो है, 50 ये है, और इसको हमें 60 करना है, मतलब ये वाली न्यूट्रल लाइन को हमें 60 करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे 60, तो इस वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई भी नंबर गलत है या नहीं दिए हैं आपने, उसको आपको पहले लेना है, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है इसको हमें करना है एनिमेटेड। ठीक है, यहाँ पर पहले हम करेंगे सेव, सेप में क्लिक करेंगे, सेप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव ऑलियर दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आप क्लिक करते रहिए, तो यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे तो ये नंबर अपने आप काउंट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे अभी नंबर अपने आप डाउन हो रहा है, तो ये नंबर इसी तरह से हमें क्या करना है, 51 तक करना है। ठीक है, 51 करेंगे तो हमारी वहाँ पे बिल्कुल
ओके हो जाएगी, ठीक है। एक पीछे हो गया, अगर आपका पीछे भी चला जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो क्या करना है, सीधा मूव लेटर कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान ली 51 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी सारी हो चुके हैं। अब कंट्रोल ए की मदद से हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, ठीक है। सारे जीरो हो गए हैं। इसी तरह से आप अपने वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एनिमेटेड टाइप बना सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। उसके बाद क्या करना है हमको, सिंपली एक आपको स्क्रीन रिकॉर्डर चलाना है इस पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे हम इसको प्ले करेंगे स्लाइड शो को, और साथ में हम स्क्रीन रिकॉर्डर को चालू कर देंगे। तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी वो हमारी वीडियो, उसके ऊपर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, या तो अगर साथ में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो साथ में अब वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा, ठीक है। ये तो मेरी पूरी वीडियोज़ तो बन गई है, अब हम क्या करेंगे स्लाइड रिकॉर्डिंग करेंगे। तो स्लाइड शो हम चलाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मीटर में ले ली है, फेस और न्यूट्रल लाइन ले ली है, और यहाँ पे हमने अर्थिंग भी ले ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, फेस से जो अपनी मीटर है, मीटर से क्या करेंगे हम फेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमने दे दिया है, 3-4 न्यूट्रल पॉइंट हमें तीन चार अर्थिंग पॉइंट चाहिए, तो हमने अर्थिंग पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से हमने मीटर से फेस लेके अपने एनसीबी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को यहाँ से लेंगे और न्यूट्रल को भी हम अपने एनसीबी में कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से जो है आप एनिमेटेड लाइन डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो था, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और जाने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम के ऊपर भी आपको हमारे वीडियो पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।